योगी आदित्यनाथ को देखने को लेकर भी जोश बहुत ज्यादा लोगों का हाई है और भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है, अब से कुछ ही देर में शपथ ग्रहण करेंगे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री। गुजरात में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह बहुत ज्यादा भव्य नजर आ रहा है। तमाम जो बड़े दिग्गज है बीजेपी के वो पहुंच चुके हैं मंच पर, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, गुजरात में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, स्मृति ईरानी आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं। तो बड़े जो भी दिग्गज हैं वो मंच पर पहुंच चुके हैं, दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर भी आपको इस वक्त नजर आ रहे होंगे और ये देखिए तस्वीरें एक एक करके आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, स्मृति ईरानी, सीएम योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, वो तमाम बड़े दिग्गज जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड जीत का गुजरात में, वो अपनी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज करवाते हुए सीएम धामी भी पहुंचे हुए हैं। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, तो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। स्मृति ईरानी तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं, डिप्टी सीएम आपको नजर आ रहे हैं, इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं, राजनाथ सिंह भी पहुंच चुके हैं, संत समागम भी वहां पर नजर आ रहा है। तो पीएम मोदी अब से कुछ देर में शिरकत करेंगे, उसको लेकर भी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल ये देखिए भारी भीड़ नजर आ रही है, आज गुजरात में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कराने को लेकर लोगों में भारी उत्साह नजर आ रहा है। हर तस्वीर सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे, ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। स्मृति ईरानी वहां पर मौजूद हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ मंच पर मौजूद हैं और लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का भी बहुत बड़ा योगदान रहा गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में, और इसीलिए उनके स्वागत में गांधीनगर में बड़े बड़े पोस्टर भी लगे हुए थे, जैसा हमने आपको तस्वीरों में भी दिखाया था। तो नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह और इसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज एक साथ मंच पर आपको उपस्थित नजर आ रहे हैं। तो ये आज की महत्वपूर्ण तस्वीरें, और कुछ ही देर में भूपेंद्र पटेल शपथ ग्रहण करेंगे, लेकिन अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे क्योंकि पहले ही तमाम बड़े दिग्गज पहुंच चुके हैं। राजनाथ सिंह को आपने तस्वीरों में देखा, स्मृति ईरानी भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंच चुके हैं, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंच चुके हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं। तो तमाम जो बड़े दिग्गज हैं, थोड़ी ही देर में भूपेंद्र पटेल का शपथ ग्रहण समारोह होगा और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। बहुत ज्यादा अहम और खास है ये, बड़े बड़े मंत्री राज्यों के सीएम पहुंचे हुए हैं, एक साथ एक मंच पर नजर आ रहे हैं। तो गुजरात में एक ही गूंज है, एक बार फिर से भूपेंद्र राज, नई टीम, नया ताज यहां पर अब कुछ ही देर में सजेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ सबका संत समागम का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, सबका आशीर्वाद लेते हुए एक एक करके मंच पर आप देख सकते हैं। थोड़ी देर में भूपेंद्र पटेल का शपथ ग्रहण होगा, 16 मंत्री भी शपथ लेंगे, पीएम मोदी शाह भी नजर आएंगे थोड़ी ही देर में। तो गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बाद भूपेंद्र पटेल थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और पटेल के साथ साथ करीब 16 नए मंत्रियों की भी शपथ लेने की संभावना है। भूपेंद्र पटेल दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे और इससे पहले वे सितंबर 2021 में गुजरात के सीएम बने थे। पटेल के मंत्रिमंडल में अनुभवी चेहरे के साथ साथ युवाओं का एक कॉम्बिनेशन भी इस बार देखने को मिलेगा। बीजेपी ने भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण को मेगा शो बनाने की जो पूरी तैयारी की थी वो साफ तौर पर नजर भी आ रखी है। शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में मंच पर पहुंचेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आपने तस्वीरों में देखा ही। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।